प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6th बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के एजेंडे में कृषि बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श शामिल हैं। इस दौरान पिछली बैठक के एजेंडे पर उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कोरोना वायरस के कारण इस साल विश्व दीक्षांत समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा आज मोदी केरल को खास तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन दक्षिण 24 परगना में अमित शाह की रैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला। वहीं अमित शाह ने हिंदू शरणार्थी के घर भोजन किया। भ्रष्टाचार, हिंसा और धर्म की सियासत को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता के भतीजे पर भी निशाना साधा। शाह ने टीएमसी को भतीजों के कल्याण वाली पार्टी बताया। कल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में टीएमसी ने भी दक्षिण 24 परगना में रैली की, जहां ममता बनर्जी ने अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया। किसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। दीदी और भातीजा बोलते हैं, चैलेंज करछि अमित शाह के, फर्स्ट यू कॉन्टेस्ट विद अभिषेक बनर्जी एंड टेल द नेम एंड टेल द नेम। कश्मीर में धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। महबूबा ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए वो भीख नहीं मांग रही। बारामूला में महबूबा मुफ्ती ने कहा वो किसान आंदोलन की तर्ज पर अब प्रदर्शन करेंगी। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार के सियासी संकट के बीच उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। अब मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सदन में ये साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले के अमिताभ और अक्षय पर दिए बयान को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी अब फिल्म स्टार के समर्थन में आ गई है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसी को शूटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर नाना ने अमिताभ और अक्षय की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे और महाराष्ट्र में शूटिंग न करने की धमकी दी थी। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीली पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। जहर को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। उन्नाव पुलिस जहर के प्रकार के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। उन्नाव पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। एसओजी की 10 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही लड़कियों के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। लड़कियों की मौत के मामले में अनुसूचित आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती और यवतमाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन 1 दिन का होगा, जो कि शनिवार को लागू होगा। लॉकडाउन रात को 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बमरौली एयरपोर्ट से सीधे झूंसी स्थित संघ के कार्यालय पहुंचेंगे। यहां से शाम 7 बजे संगम तट पर
गंगा पूजन और आरती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार संगम तट पर पहुंचकर मोहन भागवत गंगा पूजन और आरती में शिरकत करेंगे। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि की याचिका के मामले में आज एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिशा रवि की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट से पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई है कि जांच से जुड़े मटेरियल मीडिया को लीक न करें। कल हुई सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस की तरफ से कोई जानकारी लीक नहीं की गई, वो इसके लिए हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का किसान महापंचायतों का दौर जारी है। सचिन पायलट ने कोट खावदा में बड़ी किसान महापंचायत रखी है। चाकसू विधायक वेद सोलंकी ने इस किसान महापंचायत का आयोजन किया है जिसमें सचिन पायलट शामिल होंगे। पायलट ने महापंचायत में भारी भीड़ इकट्ठा होने का दावा किया है। हरियाणा के सोनीपत के प्रगति नगर इलाके में एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके पति को पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की कोशिश हुई। पति की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की बेटी ने अपने ताऊ और उसके दो साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि हत्या से पहले उनकी मां से रेप भी किया गया। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बरामद 70 करोड़ की ड्रग्स के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शाहिद खान न्यूज पोर्टल की आड़ में ड्रग्स तस्करी का धंधा करता था। बीते दिनों पुलिस ने इस केस से जुड़े आरोपी दिनेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में शाहिद का नाम सामने आया था। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन ड्रग्स तस्करों के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं और इनका नेटवर्क किन किन राज्यों में फैला है। राजस्थान के धौलपुर में 8 जनवरी को युवक पर हुई फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक के जीजा ने ही उसकी हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस केस में पुलिस ने इनामी बदमाश हर विलास को गिरफ्तार किया है। पंजाब के फरीदकोट में आज बदमाशों ने दिन दहाड़े युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरलाल सिंह इमिग्रेशन सेंटर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठने वाले थे कि तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। हत्या की ये वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के रोहतक जिले में नहर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी, साथ ही उसके शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। बिहार के खगड़िया में ट्रॉली पलटने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 7 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। दोनों बच्चों को इलाज के लिए बेगूसराय रेफर किया गया है। यूपी के जौनपुर के सुरैया गांव में एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में BHU रेफर किया गया है। पुलिस इसे एकतरफा प्यार से जुड़ी वारदात बता रही है और परिवार वाले से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये युवक DJ पर बैठकर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और अचानक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने पिस्टल, देसी कट्टे और कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक दीपक यादव दरभंगा जिले में हुए मर्डर केस का आरोपी है। वहीं सहरसा में भी उस पर 5 केस चल रहे हैं। वहीं 2 अपराधी बुधवार को सहरसा में हुई फायरिंग के मामले में आरोपी हैं। यूपी के सोनभद्र के चोपन इलाके में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर पति पत्नी में बहस हुई थी, जिसके बाद पति ने पत्नी की पिटाई की और फिर उसे धक्का दे दिया। चोट लगने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के फतेहपुर जिले के रिठवा गांव में सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहे लोगों को रोकना राजस्व विभाग और पुलिस टीम को महंगा पड़ गया। गांव वालों ने निर्माण कार्य रुकवाने पहुंची टीम को बंधक बना लिया और टीम के साथ बदसुलूकी भी की। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कई थाने की पुलिस के साथ इन लोगों को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाया। टीम को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के कांदीवली इलाके में ज्वेलरी शॉप पर लूट करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरा दुकान पर ग्राहक बनकर आया था और दुकान से पेंडेंट से भरा बॉक्स लेकर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2.5 लाख के सोने के गहने और चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। यूपी के फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी की गई। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा। मॉरिस ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। युवराज को 2015 के सीजन के लिए दिल्ली ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। क्रिस मॉरिस की बेस प्राइस 75 लाख रुपए थी। वे इससे 21 गुना ज्यादा कीमत पर 16 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कार्ल जेमिसन को बेंगलुरु ने 20 गुना ज्यादा कीमत पर 15 करोड़ रुपए में खरीदा। उनकी बेस प्राइस 75 लाख रुपए थी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रही। उन्हें 7 गुना ज्यादा कीमत पर 14 करोड़ 25 लाख में आरसीबी ने खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जे रिचर्डसन को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख रही। वो 9 गुना ज्यादा कीमत पर बिके। पंजाब को मोहम्मद शमी के साथ डेथ ओवर्स में पेसर की जरूरत थी। रिचर्डसन इसी कमी को पूरा करेंगे। इसके अलावा डेनियल क्रिस्टियन को आरसीबी ने 4 करोड़ 8 लाख में खरीदा। भारतीय युवा ऑलराउंडर शाहरुख खान की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। 26 गुना ज्यादा कीमत पर प्रीति जिंटा की टीम पंजाब ने उन्हें 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने अब तक 31 घरेलू टी20 में 2 विकेट लिए हैं और 293 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के राइली मेरीडिथ की बेस प्राइस 40 लाख रुपए थी। उन्हें 20 गुना ज्यादा कीमत पर पंजाब ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। बॉलिंग ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को 46 गुना ज्यादा कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। गौतम ने आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं हरभजन सिंह को केकेआर ने 2 करोड़ में खरीदा है। वहीं सैम बिलिंग्स 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए। केदार जाधव को 2 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख में खरीदा है। वहीं विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम आरसीबी के लिए खेलेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन, 20 लाख रुपए में बिके हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में खरीदा। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रस्तावित यूएस सिटीजनशिप एक्ट 25 फरवरी को कांग्रेस में पेश किया जाएगा। नए कानून में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड पर देशों के हिसाब से तय होने वाली सीमा हटेगी। इससे भारत के हजारों आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलेगी।